my god. This feels amazing. Guys, so we are back on the road. Pure riding season ek bhi ride nahi kari, and specially Venom ke aane ke baad pe ek bhi ride nahi kari. Much weighted ride hai ye, pure season ride hi nahi kari. Actually Ladakh ke baad koi ride hi nahi kari maine, 6-8 mahine ho gaye. Abhi bas ek cheez mujhe sataye ja raha hai aaj, wo hai ki ye jo windshield hai काम तो अच्छा कर रहा है, बट कैमरा में व्यू कैसा आ रहा है, एंड विंड ब्लास्ट के वजह से विंड नॉइज़ कितना आ रहा है, एज इन विंड ब्लास्ट ऑन माय हेलमेट. बाकी सब द टाइम इज़ 5:33, जो मैं बताना भूल ही गया. चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द राइड. The bikes are looking beautiful, absolutely beautiful. Okay, so very good morning. We have done roughly around 70 kilometers and we have stopped here for tea break. These beautiful bikes are parked over here. मैं मिला देता हूँ कौन कौन इस बार हमारे साथ राइड में है. The usual Yuvraj. This one is Neville and Mega. Ride कैसी चल रही है? अच्छी. तुम दोनों का first time है. ये तो ठंडी से मर रहा हूँ. अभी चाय वाय पीने खड़े हैं. बाइक्स का एक शॉट दिखाता हूँ. इतनी मैं तो बाइक ही देखे जा रहा हूँ जब से आए हैं. द सन इज फाइनली राइजिंग. इतनी देर से हम लोग अंधेरे में ही राइड करे जा रहे थे, तो अभी तक मैंने बताया नहीं कि मैं जा कहाँ आ रहा हूँ. हाय गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट. वेलकम टू अनदर व्लॉग. सो हम लोग जा रहे हैं दीव. जाने का प्लान था सापुतारा, बट वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुआ, बिकॉज पता चला कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं वगैरह वगैरह. इसके लिए अभी फाइनली डिसाइड किया कि दीव जाते हैं. ऐसे भी मेरा दीव का व्लॉग नहीं है. मैं इसके पहले दीव गया हूँ, बट उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करता था. तो से एक मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस अगर आप लोग देखोगे तो एक दो सिंपल वीडियो है दीव का. तो इस बार प्रॉपर अच्छे वाला व्लॉग, एंड इस बार मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ डेली व्लॉग्स करने का. सो बस इससे ज़्यादा और नहीं पकाऊँगा, चाय पी के निकलते हैं. कुछ नाश्ता वाश्ता अगर मिल जाए तो नाश्ता करके रोड पे. सिर्फ 70 किलोमीटर्स हुए एंड यहाँ से और 320 किलोमीटर्स जैसा है दीव. सो चलिए, सी यू ऑन द रोड. ओके, सो वी आर बैक ऑन द रोड. एक लंबा चौड़ा ब्रेक ले लिया बिकॉज नेविल काफ़ी थक चुका था, एंड मैं और युवराज एज यूजुअल इंटरकॉम में कनेक्टेड है. आई एम लविंग दिस मोबाइल माउंट. ये बोबो का मोबाइल माउंट है एंड इट्स अमेजिंग. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 348 किलोमीटर्स, बट बीच में एक डिटोर लेने वाले हम लोग. एक
राइट आएगा, वहाँ से हम लोग सारंगपुर शायद हनुमान मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे। एंड ये बाइक पे राइड करके जो सुकून मिल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। खराब रोड शुरू हो गए हैं एंड ये रोड की वही सालों से वही प्रथा है, बारिश के बाद पूरा रोड बिगड़ जाता है। थोड़े थोड़े पैचेस अच्छे हैं बट अदरवाइज पूरा खराब रोड और ये गाय भैंस पूरे रोड पे। ओके सो इट्स 10 AM एंड वी हैव रीच सारंगपुर। अभी दर्शन वर्शन करके, बहुत धूप है पर गर्मी नहीं है, द वेदर इज प्लेजेंट। अभी दर्शन वर्शन करके सीधा निकलेंगे दीव के लिए, बिकॉज स्टॉप नहीं लेना, एक फ्यूल ब्रेक होगा बिकॉज युवराज की और मेरी दोनों की बाइक में ऑलमोस्ट पेट्रोल ख़त्म होने आया है। मेरे में 3 पॉइंट है, युवराज की बाइक रिजर्व पे आ गई है, पेट्रोल भरवा के निकल जाएंगे। चलिए दर्शन करके वापस रोड पे मिलते हैं। एंड मेरा प्रेडिक्शन सही था, 6-7 साल बाद भी ये रोड नहीं बना, वैसे का वैसा ही है। ये व्लॉग में मैंने मेरे कैमरा का जो एंगल है उसको चेंज किया है। पहले सुपर व्यू में मैं रिकॉर्ड करता था जो 170 डिग्रीज पे रिकॉर्ड करता है, बट इस बार मैंने नॉर्मल मोड में रिकॉर्ड किया है पूरा व्लॉग जो 90 डिग्रीज पे रिकॉर्ड करता है। आप लोग बताइए कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। इतना स्लो क्यों भाई, सुपर व्यू या नॉर्मल मोड? 44 किलोमीटर यही रूट पे मर जाएंगे यार, 5 किलोमीटर नहीं चला पा रहे, ना रोड अच्छा है ना ट्रैफिक अच्छा है। पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का मिल गया, इसके पहले जो पेट्रोल पंप मिला वहाँ पे कार्ड नहीं चलता है तो मुझे कार्ड से क्या है, मुझे कार्ड से ही पे करना था। चलिए पेटीएम से चलता है कम से कम। सो फ्यूल ब्रेक डन, अब सीधा 210 किलोमीटर दीव, कोई स्टॉप नहीं लेना है, दोनों की टैंक्स फुल। ओके सो ये जो इतने सारे विंड मिल्स है इसके वजह से इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट है यहाँ पे कि गाड़ी मेरी टेढ़ी चल रही है एज ऑफ नाउ, ऐसी चल रही है मेरी गाड़ी अभी। आप लोगों को कैमरा में पता नहीं चल रहा होगा बट मेरी गाड़ी ऐसी चल रही है। एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस रोड, लद्दाख के रोड इससे तो थोड़े बेटर थे। ओके सो रफली 60 किलोमीटर बाकी है एंड अभी गन्ने का जूस ब्रेक, युवराज की हालत ख़राब हो चुकी है एंड नेविल की भी, नेविल आ गया वहाँ पे, जब से पेट्रोल हो रहा है तब से कोई ब्रेक नहीं लिया है। इसके बाद नॉन स्टॉप डायरेक्ट मिलते हैं, सी यार। सो वी हैव एंटर्ड दीव, लुक एट दिस प्लेस। लास्ट टाइम मैं जब आया था तब यहाँ पे व्लॉग नहीं कर पाया था एंड मैं एवेंजर लेके आया था, दिस टाइम काफ़ी अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। पूरा थक चुके हैं हम लेकिन अब एनर्जी आ रही है।
वर्थ इट, 436 किलोमीटर्स वर्थ इट। ओके होटल पहुंच गए एंड गूगल आंटी को पूरे एक घंटे से बीट किया हमने। .345 बता रहे थे, राइट नाउ द टाइम इज 2:43। ओके सो द टाइम इज नाउ 6:50 एंड हम लोग सब यहाँ पे अभी चिल करने के लिए आए हैं। नाव आ लिए, फ्रेश हुआ, फ्रेश हुए सब के सब एंड अभी बस ये व्यू के सामने बैठ के चिल कर रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे वापस। अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। Ride safe and spread love. Bye-bye.